नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नवयुग धरोहर धरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत में भी हुनरबाज का आयोजन हुआ संपन्न। नवयुग धरोहर धरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत में भी हुनरबाज का आयोजन लखनऊ जिले के लखनऊ नोबल अकादमी में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ नोबल अकादमी की प्रधानाचार्य स्वाति जी तथा नवयुग धरोहर तरह शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के प्रबंधक अशोक कुमार यादव जी ने मां सरस्वती के चित्र पर माले अर्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही रजत पीजी कॉलेज की छात्र सुहाना पांडे ने गणेश वंदना पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा विजेताओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा विद्यालय के समस्त शिक्षकों को अंगवस्त्र सम्मानित किया और विद्यालय को प्रमाण पत्र प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक ने संबोधित करते हुए कहा, नवयुवक धरोहर धरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विद्यालयों कॉलेजों के संयोजन से मैं भी हुनरबाज का आयोजन कर रहा हूं, जो प्रदेश के हुनरबाजों को अपना हुनर को संपूर्ण विश्व को दिखाने के लिए एक बेहतर मंच है, जहां वे अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष देवेश मिश्रा, संयोजक शिवानी श्रीवास्तव जी तथा लखनऊ नोबेल अकादमी के समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।